हेलो एवरीवन वन मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी क्लासेज में जैसा कि आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल पार्ट टू आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जिसमें रेशियो एंड प्रपोर्सन का ये पार्ट वन है और अभी आपने देखा होगा जो एसएससी में एग्जाम में पूछा गया है सी हो गया सी हो गया तो उनसे ही आधारित मैंने प्रश्न यहाँ पर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि 2020 और 21 में ही पूछा गया है इसके पहले भी जितने साल जितनी भी एग्जाम्स आप देते हैं वहां पर कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट पर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है ठीक है तो जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है वो जरूर आप जाकर चैनल पर पार्ट वन जरूर देखें कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल का पार्ट वन जो मैंने बनाया था एज रिलेटेड प्रॉब्लम पर ये आपके लिए एक ऐसा अस्त्र होगा जिससे क्वेश्चन को, को आप दो सेकंड पाँच सेकंड के अंदर क्वेश्चन को, को निपटा सकते हैं ठीक है आज उससे उसी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ते हैं रेशियो एंड का पार्ट वन और इसके बाद आपका पार्ट टू पार्ट थ्री ये आपका चलता रहेगा ठीक है ऐसा नहीं कि सिर्फ रेशियो एंड पे ही चैप्टर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा इसके अलावा परसेंटेज हो गया बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल पर क्वेश्चन आता है इसके अलावा क्षेत्रमिति जैसा कि आपको पता है मैंसुरेशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इसी पर आधारित ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं और देख रहे होंगे ये जादुई ट्रिक अब भाई आप इसको ट्रिक समझ लीजिए या कौन से समझ लीजिए तो आप तो खुद ही देखेंगे तो आप बताएंगे भाई ये क्या है चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है और बोर्ड के सामने और यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आसान है बात समझ में आ रही है तो स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले यहां पर अगर आप क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन रेशन प्रशन का ही मैंने लिया क्योंकि चैप्टर यही चल रहा है लिखा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है पच्चीस अनुपात चार दे रखा है कितना अनुपात दे रखा है भाई पच्चीस अनुपात चार ठीक है यहां लिखा है यदि तीन और विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए होते और अनुत्तीर्ण होने वाले ये सब फालतू में देखिए ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बस आप ये देखिए कि शुरुआत में रेशियो क्या रेशियो क्या दिया है और यहाँ रेशियो क्या दिया और पूछा क्या है पूछा यह है परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या आरंभ में कितनी थी शुरुआत में अब अगर आप ध्यान से देखें परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण भाई बैठे तो दोनों ही होंगे तो दोनों कितने हैं उत्तीर्ण वाले 25 का मल्टीपल है अनुत्तीर्ण वाले कितने हैं का मल्टीपल है और टोटल का अगर आपसे पूछ रहा, रहा देखिए यहां कुल संख्या पूछ रहा है इसके अब कुल कितने होंगे पच्चीस प्लस चार तो पच्चीस प्लस चार कितना होगा उन्तीस इसका जो हमारा आंसर आएगा उन्तीस का पहाड़ा उनतीस का पहाड़ा मतलब उन्तीस का मल्टीपल मैं फिर से बोल दूं जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो में आकर देख रहे हैं तो मैं कहूंगा आपको पार्ट वन देखना चाहिए वहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने पढ़ाया था ठीक है तो उसको आप जरूर देखिए तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो 100 ये उनतीस से जरूर कटेगा चलिए ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन से क्या ये एक सौ से कट रहा है आप चेक कर लीजिए उनतीस से अगर कट रहा है नहीं कट रहा है तो आप देखिए तीस का अगर आप टेबल पढ़ते हैं क्योंकि जो तीस का टेबल पढ़ेंगे उनतीस से एक कम है तो तीन पचे पंद्रह तीन संग अट्ठारह तो मेरे ख्याल से अगर आप भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा आप एक बार चेक कर लीजिएगा 126 भी नहीं जाएगा तीन चौक बारह तो थोड़ा सा कम जाएगा ये भी नहीं गया यहां पर देखेंगे तो ये भी आप देखेंगे तो ये भी आपका नहीं जाएगा एक बार आप चेक कर लीजिएगा और हमारा आंसर क्या आएगा दो अब ये भी आप देख सकते हैं दो सौ का मतलब दो तो आपका कटेगा ही कटेगा इसका अगर मैं उन्तीस घटा देता हूँ यहां पर तो आप देख रहे होंगे यहां पर क्या रहा है दो अब आप देख रहे हैं दो ऑप्शन में है और यही हमारा ऑप्शन है डी जो भी प्रश्न मैंने यहां लिए हैं ये सीजीएल 2021 और सीएचएसएल में जो पूछे गए हैं ठीक है एसएससी से रिलेटेड जो अभी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं से क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके लिए हैं अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मात्र आप दो से पांच सेकंड के अंदर कर सकते थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है यहां पर लिखा है दो ट्रेनों की चाल का अनुपात कुल मिलाकर पूरा खेल क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल में रेशियो का है दो अनुपातें सात क्या है दोनों ट्रेनों के चालों का अनुपात दिया है और पूछ क्या रहा है पूछ ये रहा है ट्रेनों की चालों का योग पूछ रहा है भाई अब ये बताइए दो ट्रेन है और उनके चालों का योग पूछ रहा है और चाल का अनुपात भी दे रखा है तो भाई इसका योग कर लीजिए दो प्लस कितना आ गया नौ हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा नाइन का मल्टीपल खत्म कहानी यहां देखिए नौ से कौन कट रहा है पांच दो सात ये नहीं कट रहा है नाइन है सभी को जोड़ लीजिए सभी अंकों को जोड़ लीजिए जो नो के टेबल में आएगा जो नो के पहाड़े में आएगा वही नो से कटेगा सात पांच बारह और एक तेरा ये नहीं कटेगा पांच एक छे ये नहीं कटेगा पांच दो सात दो नो यही हमारा आंसर है हमने कुछ लगाया ही नहीं डायरेक्ट आपका आंसर आ गया बात समझ में आ रही है तो नेक्स्ट बढ़ते हैं देखिए बहुत ही छोटे छोटे पार्ट मैंने वीडियो बनाया है और बना भी रहा हूं बारह मिनट पंद्रह मिनट के अंदर हम लोग छः सात क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे और ये सीरीज आपकी चलती रहेगी जैसे आपका नेक्स्ट आएगा फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल पर पार्ट थ्री जहां पर मैं आपको रेशन प्रपोर्सन का ही अगले वाला जो अगला पार्ट रहेगा वो कराऊंगा एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल पर डायरेक्ट आपको मिल जाता है आंसर और कई बार आपको बनाना पड़ता है तो ऐसे भी मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैं जो आपको दिखाऊंगा आगे जैसा कि ये देख रहे हैं ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में एज रिलेटेड प्रॉब्लम में कराया था एज रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो कि रेशियो एंड प्रपोर्शन में दिया गया था तो मैंने ये भी क्वेश्चन ले लिया है तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो यहाँ लिखा है तीन वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से जो अनुपात बना रहा है कितना बना रहा है भाई आठ अनुपातें तीन चार वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात हो जा रहा है ग्यारह अनुपात पांच हो जा रहा है पिता की वर्तमान आयु यहां पर ध्यान रखिएगा वर्तमान पूछा है वर्तमान मतलब प्रेजेंट एज आपसे फादर का पूछ रहा है लेकिन उसका अनुपात नहीं दिया है तो इसके लिए अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें उसने ऐसे क्वेश्चन लिया भी था तो आपको क्या करना होगा इसमें आपको यह देखना होगा कि हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन जो होगा ये तो प्रेजेंट में दिया है तो अगर हम तीन साल पहले चले जाएं। यहां देखिए तीन वर्ष पहले तीन वर्ष अगर पहले हम चले जाएं तीन अगर हम ऑप्शन में माइनस कर दें तो पिता जो है यहां पर कितना है आठ मतलब इनमें से जो आठ से कट गया वही आंसर होगा तीन घटाने पर तो बावन में तीन घटाएंगे तो कितना आएगा उनचास ये नहीं होगा इक्यावन में तीन घटाएंगे कितना आएगा अड़तालीस फोर्टी ये भी ये हो सकता है क्योंकि भाई अड़तालीस है तो ये हो सकता है अड़तालीस में तीन घटाएंगे भाई ये नहीं होगा और इसमें घटाएंगे तो ये नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या है भाई बी ऑप्शन बात समझ में आ रही है बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं यहां पर देखिए वर्ष बाद बाद भाई प्रेजेंट एज है चार साल बाद हमारा जो 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 फादर का जो एज है वो ग्यारह से कटना चाहिए चार जोड़ दीजिए देखिए ग्यारह से कौन कट रहा है छप्पन आ रहा है ये नहीं कटेगा इक्यावन चार पचपन देखिए फिर से कट गया ठीक है तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए दो में पूछा भी गया है ठीक है और पिछली भी क्लास मैंने स्टार लगवाया था और बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको रेशियो नहीं मिल पाता तो एक बार आप इसको पढ़ लें लिखा है तीन संख्याओं का योग नाइनटी है यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दो अनुपात तीन है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात पांच अनुपात आठ है तो तीसरी संख्या कौन सी है अब ध्यान दीजिएगा यहां तीसरी संख्या का मतलब आप ये ना समझ जाइएगा कि आठ बात समझ में आ रही है आपको ये नहीं समझना है कि ये आठ है आपको क्या करना होगा यहां पर आप इसको निकालना पड़ेगा इस तरीके से ए बी सी आपको पूरा लिख लेना है और इसको भी एग्जाम में कई बार पूछता है ए बी और सी का ए और बी का दे देगा बी और सी का दे देगा और तीनों का अनुपात आपसे पूछ लेता है तो नेक्स्ट पार्ट में मैं ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा ठीक है तो यहां पर देखिए ए और बी का क्या है पहली और संख्या मान ली पहली और दूसरी को मैंने ए बी माना है तो किस अनुपात में दे रखा है दो और तीन ठीक है और उसके बाद देखिए दूसरी और तीसरी दूसरी और तीसरी मतलब ये आपका पाँच है इसके ठीक नीचे लिखते हैं ये पाँच है ये आठ है तो इसका जो तरीका होता है कि यहां जो खाली है जहां पर देखिए यहां पर ख़त्म हो रहा है इसको आप लिख लीजिए यहां पाँच है तो इसके पहले आप क्या लिखिए पाँच और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए पाँच दूनी दस पाँच तीन पंद्रह और आठ तरीक चौबीस इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा ध्यान दीजिएगा यही तीसरी संख्या है इसका जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा चौबीस का मल्टीपल आएगा ट्वेंटी फोर का ट्वेंटी फोर से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा तो ये आपको बनाना आना चाहिए ठीक है इस टाइप के डायरेक्ट देखा जाए तो इस क्वेश्चन से एक तीर से दो शिकार एक तो इस टाइप के रेशो वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है और ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगर ध्यान से देखें देखने में लग रहा होगा यार बटे बटे ये सब दिया गया है लेकिन इसका कोई रोल ही नहीं है अगर आप ध्यान से देखें ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है चार अनुपात तीन और पूछ क्या रहा है ये सब पढ़ने में फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है सबसे पहले हमें ये देखना है कि लास्ट में क्या पूछ रहा है पूछ रहा है यहाँ पर बी की आय पूछ रहा है क्या पूछ रहा है बी की आय किसका अनुपात दिया है ए और बी का तो बी हमारा क्या है बी हमारा क्या है तीन का पहाड़ा चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन तीन से कट रहा है तो तीन का अगर ऑप्शन से चेक करेंगे तो तीन के लिए क्या करना है जहां जहां नौ दिखे उसको काटते जाइए ये नौ कट गया ये ठीक है यहां पर देखिए छह दो आ, यहां पर आप देखेंगे तो ये पांच दो सात और दो नौ हो जाएगा और बचा कितना चार चार आठ मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा यहां पर देखिएगा पांच पांच चार नौ ये हो गया उसके अलावा आठ छह चौदह चौदह दो सोलह सोलह आपका जोड़ेंगे तो सात आ रहा है डिजिटल सम ये नहीं होगा तीन आना चाहिए मतलब तीन से कटना चाहिए यहां देखिए छह छः दो आठ एक नौ और पाँच पाँच दस तीन से नहीं कटेगा यहां पर आ जाइए पाँच 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 दस हो गया दस दो दस दो बारह बारह छः अट्ठारह अट्ठारह तीन के टेबल में आएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन कितनी तेज आप काटते हैं चेक करते हैं ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है हंड्रेड परसेंट हमारा आंसर क्या है यही है आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था और बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूं ध्यान दीजिएगा और बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखिएगा कई बार एग्जाम में आता है और इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता आप एक बार चेक करिएगा और देखिएगा भी और बताइएगा क्या इसका बेस्ट तरीका होगा सबसे पहले तो अगर इसको आप बेसिक से करेंगे तो बेसिक से क्या करेंगे देखिए ए बी सी लिख लीजिए अभी मैंने बताया भी था और देखिए क्वेश्चन आया भी है दो हजार इक्कीस का ही है दो और पांच आपने लिख दिया और बी सी कितना दिया है बी सी आपका दिया है तीन और चार तो जहाँ खाली रहेगा जैसे ये पांच है तो यहाँ पांच लिख दिया यहाँ तीन है तो इसके पहले क्या लिख दिया तीन इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तीन दूनी छः पाँच तीन पंद्रह और पाँचों बीस इसके अलावा हमारा जो ए बी सी का अनुपात आएगा क्या आएगा सिक्स फिफ्टीन और ट्वेंटी आपके सामने आंसर दिख रहा होगा वैसे तो आसान तो ये भी है लेकिन अगर मैं देखूं तो 10 सेकंड यहां मैं और बचा सकता हूं आपका कैसे देखिएगा ध्यान से 10 सेकंड कैसे बचेगा यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल पर ही आधारित है अगर हमारा ए और बी दो और पाँच का अनुपात है तो सीधी बात है जो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन में क्या दिख रहा ये है ये ए है ये बी है ये सी है तो हमारा जो ए बी होगा यहां भी क्या होगा दो और पाँच का अनुपात होगा क्या ये दो और पाँच का अनुपात बन सकता है नहीं बन सकता ये दो पांच ये नहीं टिक कर देना है ध्यान दीजिएगा अगर ये दो पांच बन रहा है तो मुझे सारे पहले ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे तो देखिए दो पांच का रेशियो बन रहा है छे और पंद्रह को अगर आप तीन से काटोगे तीन दुनी छह तीन पचे पंद्रह रहा है ये क्या बन रहा है नहीं कट नहीं बन रहा है इसलिए दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए अब आप बोलेंगे सर इनमें और इनमें से क्या लगाए तो अभी भी हमारे पास देखिए बी सी बाकी है थ्री चलिए तो थ्री की अगर बात करें तो याद देखिए यहां पर थ्री तो दिख ही नहीं रहा है बचा क्या एक ही ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं पंद्रह बीस को आप काटिए देखिए थ्री टू फोर बनेगा तीन ये आपका बनेगा पांच से पंद्रह पांच चौबीस इसका अलावा हमारा आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन और उससे भी अच्छा क्या था अगर आप ए बी को चेक ही ना करते ए बी को चेक ही ना करते डायरेक्ट बी सी को ही चेक कर लेते हैं तो बी सी हमारा क्या है ये और ये है तीन और चार का अनुपात है नहीं है भाई ये तीन चार का अनुपात है नहीं है ये तीन चार का अनुपात है हाँ बिल्कुल है ये क्या तीन चार का अनुपात है नहीं है एक ही ऑप्शन था और इस तरीके से भी आप कर सकते थे जो आपको अच्छा लगे इसका अलावा लग यहाँ पर आपको डायरेक्ट अगर आप इससे चेक करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही क्वेश्चन में आपको पार्ट टू में भी लेकर आऊँगा रेशन एंड पोर्सन का तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार इस वीडियो लिंक को आप जरूर हर ग्रुप में शेयर कर दें जिससे सभी को फायदा हो ठीक है और उसके अलावा जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और यहां पर जो मैंने आपको पढ़ाया है ये पार्ट टू है तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल पर अगर पार्ट वन का वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जाइए और वहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है थैंक यू धन्यवाद